हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपकी पेंशन में वृद्धि हो गई, कितनी हुई है इसका पता करने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। आगे वीडियो बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि अभी जो आंदोलन चल रहा था मुंबई के अंदर, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। गवर्नमेंट का जो आंदोलन चल रहा था उसमें उसमें दो कंडीशन रखी गई हैं। एक तो आपका जो भी पेंशन है उसको 7500+ DA किया जाए, और दूसरी है कि जो भी पेंशनर हैं उन सभी को मेडिकल की फ्री में सुविधा दी जाए। जी हाँ दोस्तों, रावत जी हैं उन्होंने गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखा है, और 1 अक्टूबर 2024 से इसका मुंबई में आंदोलन चल रहा है। आप किसी ने भी यदि आंदोलन में भाग नहीं लिया है तो आप अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन में भाग ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रावत जी सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 1 अक्टूबर 2024 से चल रहा है, और आपको हम बताएंगे कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है, पूरी डिटेल। आपकी पेंशन बढ़ी है, इतना आपको पैसा बढ़ेगा, या आपको बढ़ के मिल रही है नहीं मिल रही है, इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, यदि पेंशन आपकी बढ़ी है तो कितनी बड़ी है उसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर जाना है। मैं इसको क्रोम में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ओपन कर लिया है मैंने, उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों आप देख सकते हैं पेंशनर पोर्टल, इस पर आपको जाना है, ठीक है दोस्तों। क्रोम में मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है PPO इंक्वायरी एंड पेमेंट इंक्वायरी, इसको आपको दबाना है, ठीक है। दबाने के बाद दोस्तों अब आपका जो भी जहाँ से आपका जो पेमेंट इश्यू हो रहा है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ जैसे जयपुर से हो रहा है, मैं जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऑफिस आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपका PPO नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कैप्चर कोड फिल करना होगा, ठीक है दोस्तों। इन सबको यहाँ से आपको फिल कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर जो डाटा था वो उसको यहाँ पर फिल कर दिया है, ठीक है दोस्तों। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट पर दबाना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू पेंशनर पोर्टल, यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक लेफ्ट साइड मेन्यू टू व्यू डिटेल। अब आपको यहाँ पर जो पेंशन पेमेंट इंक्वायरी दी गई है इसको आपको दबाना है, ठीक है दोस्तों। अब जो भी पेंशन होगी आपकी वो यहाँ पर आ जाएगी, जैसे टोटल पेंशन आपको कितनी इश्यू हो रही है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इस केस के अंदर अभी 3000 पेंशन मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी भी पेंशन की वृद्धि नहीं हुई है। इसके लिए आप सभी को ये चेक कर लेना है कि आपकी पेंशन बढ़ी है या नहीं, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इसके बारे में नई वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।